top 10 languages মধ্যে কিন্তু ইংলিশ নাই আমরা যে তো বাংলায় কথা বলি বাংলা আমাদের কাছে এটা ভালো লেগেছে সেখানকার জনগণ কিন্তু সেটা অবসর বুঝে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও কিন্তু পুরোটা ল্যাঙ্গুয়েজ জানে প্রত্যেক আপনারা আমাদেরকে কমেন্টস করে জানাবেন মোটামুটি 22টার মতো ল্যাঙ্গুয়েজ আমি শুনেছি আমি এখনো শিওর না যে কতটা তো চলুন আমরা দেখে আসি ভিডিওটি হ্যাঁ ভিডিওতে আমরা দেখব মূলত টপ 10 তো এর পরবর্তীতে বাকি আর কতগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ আছে সেই সম্বন্ধে জানতে হলে আমাদেরকে গুগল করতে হবে তো চলুন আমরা ভিডিওটি দেখে আসি स्वागत है आपको एक नए वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे इंडिया के टॉप 10 मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस के बारे में जिन 10 भाषाओं में हिंदुस्तान के ज्यादातर लोग बात करते हैं आइए जानते हैं उन 10 भाषाओं में क्या आपकी भाषा भी शामिल है ऐसे तो हिंदुस्तान में 29 स्टेट है जिनके अलग अलग भाषा पोशाक और कल्चर होती है और इन सारे रंगों को मिलाकर ही खूबसूरत हिंदुस्तान बने हैं दोस्तों क्या आपको पता है हिंदुस्तान में 20,000 से भी ज्यादा भाषाओं से लोग बात करते हैं सुनने में भले ही अजीब लगता हो पर यह सच है एनीवे वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो 10 भाषा कौन कौन सी है लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे इंडिया में सबसे ज्यादा लोग हिंदी में बात करते हैं जिसकी संख्या है 551 मिलियन राइट नाउ इंडिया में 50% लोग हिंदी में बात करते हैं इंडियन स्टेट बिहार उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तराखंड और दिल्ली में ज्यादातर लोग हिंदी में बात करते हैं लिस्ट में सेकंड पोजीशन पर है बांग्ला इंडिया के पॉपुलेशन में से 9.1% लोग बांग्ला में बात करते हैं जिसकी संख्या है 91 मिलियन इंडियन स्टेट पश्चिम बंगाल का ऑफिशियल लैंग्वेज है बांग्ला इसके अलावा आसाम त्रिपुरा बिहार झारखंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में बांग्ला में लोग बात करते हैं दोस्तों इंडिया का नेशनल एंथम जन गण मन भी बांग्ला में लिखी गई है जिसे गुरु रवींद्रनाथ ठाकुर ने लिखा है इस लिस्ट में थर्ड पोजीशन पर है तेलुगु इंडिया के टोटल पॉपुलेशन में से 8.4% लोग तेलुगु में बात करते हैं 84 मिलियन लोग तेलुगु में बात करते हैं इंडियन स्टेट आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना का ऑफिशियल लैंग्वेज है तेलुगु तेलुगु लैंग्वेज एडिशनली कुछ कंट्रीज में भी इंक्लूड है लाइक यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड किंगडम न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया लिस्ट में फोर्थ पोजीशन पर है मराठी इंडिया के टोटल पॉपुलेशन में से 8.3% लोग मराठी में बात करते हैं करीब 83 मिलियन लोग मराठी भाषाओं में बात करते हैं इंडिया में मराठी लैंग्वेज वेस्टर्न इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज भी हुआ करता था इंडियन स्टेट महाराष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज है मराठी लिस्ट में फिफ्थ पोजीशन पर है तमिल इंडिया के टोटल पॉपुलेशन में से 6.7% लोग तमिल से बात करते हैं जिसकी संख्या है करीब 67 मिलियन इंडियन स्टेट तमिलनाडु का ऑफिशियल लैंग्वेज है तमिल और एक बात जानकर आप लोगों को हैरानी हो सकती है इंडिया के अलावा अभी श्रीलंका एंड सिंगापुर का ऑफिशियल लैंग्वेज भी है तमिल तमिल से लगभग वर्ल्ड वाइड लोग बात करते हैं लिस्ट में सिक्स्थ पोजीशन पर है उर्दू इंडिया के टोटल पॉपुलेशन में से 5.9% लोग उर्दू में बात करते हैं जिसकी संख्या है करीब 59 मिलियन इंडियन स्टेट जम्मू एंड कश्मीर का ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू इसके अलावा बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश तेलंगाना और भी कई सारे स्टेट में उर्दू में लोग बात करते हैं उर्दू हमारी पड़ोसी देश पाकिस्तान का भी ऑफिशियल लैंग्वेज है लिस्ट में सेवन पोजीशन पर है कन्नाडा इंडिया के टोटल पॉपुलेशन में से 5.1% लोग कन्नाडा से बात करते हैं जिसकी संख्या है 51 मिलियन इंडिया के अलावा भी यूनाइटेड स्टेट ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा में कन्नाडा से लोग बात करते हैं लिस्ट में एट पोजीशन पर है गुजराती इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से 5% लोग गुजराती में बात करते हैं इंडियन स्टेट गुजरात का ऑफिशियल लैंग्वेज है गुजराती इसके अलावा दमन एंड दीव में भी ऑफिशियल लैंग्वेज है गुजराती लिस्ट में नाइन्थ पोजीशन पर है ओडिया इंडिया के टोटल पॉपुलेशन में से 4% लोग ओडिया में बात करते हैं जिसकी संख्या है 40 मिलियन ओडिया इंडियन स्टेट ओडिशा का ऑफिशियल लैंग्वेज है इसके अलावा बंगाल के मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोग ओडिया में बात करते हैं लिस्ट में 10th पोजीशन पर है मलयालम इंडिया के टोटल पॉपुलेशन में से 3.8% लोग मलयालम में बात करते हैं
जिसकी संख्या है 38 मिलियन। मलयालम इंडियन स्टेट केरला की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा भी और भी कई सारी जगह में मलयालम से लोग बात करते हैं। दोस्तों ये तो रहा इंडिया के टॉप 10 मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस जिससे लोग सबसे ज्यादा बात करते हैं इंडिया में। बट व्हाट अबाउट इंग्लिश? ये तो सच है इंडिया में ज्यादातर लोग इंग्लिश जानते हैं और बोल भी सकते हैं, लेकिन सिर्फ इंग्लिश में बात करने वाले लोग 0.002% है। दोस्तों चाहे हम किसी भी लैंग्वेज में बात करें और किसी भी स्टेट से बिलोंग करें, आखिर में हम सब इंडियन हैं और इंडियन ही रहेंगे। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिंदी को प्राइमरी लैंग्वेज बनाने की प्रपोजल रखा है। इसके बारे में आपका क्या सोच है कॉमेंट पे जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत। তো এটা কি হলো যে টপ মোস্ট টপ 10 ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে কিন্তু ইংলিশ নাই, মানে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্ডিয়াতে চলছে 0.02% দেখি যে প্রচুর পরিমাণে ইংলিশ ইউজ করা হয়, কিন্তু মানে অ্যাকচুয়ালি যে ভিডিওটা দেখলাম এখানে ভিডিওটাতে যেটা বলা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু ইংলিশে এত মানুষ কথা বলে না। আসলে বিষয়টা এরকম হতেই পারে, কারণ স্বাভাবিক যে মানে সাধারণ জনসাধারণ যারা আছে তারা তো আসলে ইংরেজিতে কথা বলছে না, দেখা যাচ্ছে ফ্রেন্ড সার্কেলরা বসে কথা বলছে তারা ইংরেজিতে কথা বলছে, কিংবা একটা হাই স্ট্যান্ডার্ডের যে ফ্যামিলিগুলো আছে তারা হয়তো ইংরেজিতে কথা বলছে, কিন্তু সাধারণ ফ্যামিলি কিংবা যারা স্বাভাবিক ইন্টারন্যাশনাল অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হওয়ার কারণে ইংলিশটা অনেক মানুষের বাধ্য হয়ে শিখতে হয়। তবে আমার কাছে মনে হয় যে যার যার দেশের ল্যাঙ্গুয়েজ তার কাছে সেটি হচ্ছে বাংলা, তো বোঝা যায় যে ইউজ অফ পরিমাণ একটা মানে একটা বড় সংখ্যক লোক বাংলা ইউজ করছে। বাংলাতে কথা বলতে সারাদিন শেষে আমাদের ভালো লাগে, তো অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হয়তো অনেক সময় আমরা ইংলিশে বলি বা অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতে হচ্ছে, কিন্তু বাংলা আসলে বাংলা তখন মনের ভাবটা আসলে খুব সুন্দর ভাবে ক্লিয়ার ভাবে বলতে পারি বাংলা, সেটা আমরা ইংরেজিতে চাইলেও কিন্তু ক্লিয়ার ভাবে ততটা বলতে পারি না। তাছাড়া আছে হচ্ছে তেলেগু ল্যাঙ্গুয়েজ, মারাঠি ল্যাঙ্গুয়েজ, ওগুলো আসলে আমরা ওরকম ভাবে বুঝি না, কিন্তু সেখানকার জনগণ কিন্তু সেটা অবশ্যই বোঝে এবং সেই ভাষাতেই তাদের মনের ভাব, তারা ওটাতেই কমফর্ট ফিল করে তাদের নিজস্ব। আমার কাছে মনে হয় যার যার স্টেটের ভাষা ওটাই থাকা উচিত, আমার মনে হয় না যে ইংলিশ এসে সবাইকে, হ্যাঁ যেটা সবাইকে একত্রিত করার একটা যে প্রচেষ্টা আছে সেটা আছে, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে ভিন্নতায় একটা অন্যরকম সৌন্দর্য, যে যার ল্যাঙ্গুয়েজেই কথা বলুক আমার কাছে সেটাই ভালো লাগে। হ্যাঁ কিন্তু তোমার যখন প্রয়োজন পড়বে সেখানে তখন তো আমাদের সেটা হয়তো আমরা শিখে রাখতে পারি। আমি যেটা বলি যে আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও কিন্তু উনি কিন্তু 17টা ল্যাঙ্গুয়েজ জানতেন, তো তার মানে এই না যে উনি বাংলাকে ছেড়ে গেছেন বা বাংলা থেকে সরে গেছেন, মাদার ল্যাঙ্গুয়েজই তো বাংলা, তো সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয়েছে যে বাংলাটা যেমন আমাদের জন্য অনেক গর্বের ব্যাপার সেরকম সবারই তার নিজস্ব ভাষাটা তার গর্বের ব্যাপার হবে। তবে একটা বিষয় নিয়ে আমি খুব কনফিউশনে পড়ে গেছি ভিডিওটা দেখে, ওখানে কি 20,000 অথবা 22,000 এরকম ল্যাঙ্গুয়েজ কথা বললো, 22,000 ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্ডিয়াতে আছে, এটা হিউজ মনে হলো না তোমার কাছে? হ্যাঁ আমার কাছে এরকমই মনে হয়েছে, আমি আসলে জানি না যে তুমি 22 এর কথা তখন বলছিলে। আমি 22 বলেছি কারণ আমি জানতাম যে 22টা স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ আছে এরকম কোনো কিছু একটা শুনেছিলাম অনেক আগে, তো সেটা শিওর ছিলাম না যার কারণে, কিন্তু এখানে তো 22,000 এর কথা বলা হলো, তো আমাদের আজকের এই টপ 10 স্পোকেন ল্যাঙ্গুয়েজ যে ভিডিওটি দেখলাম, ভিডিওটি আপনাদের সবার ভালো লেগেছে,
আর আমরাও আসলে ইন্ডিয়া সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে চাই, আর জানার আগ্রহ আমাদের আছে। তো আপনারা অবশ্যই কমেন্টস করে আমাদেরকে জানাবেন। আর আমাদের সঙ্গে বসে ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের সঙ্গে বসে আর কি কি ধরনের ভিডিও আপনারা দেখতে চান সেটা অবশ্যই আমাদেরকে লিখে জানাবেন। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি।